रुको, राजकुमार धर्म कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, राजकुमार धर्म कहाँ है? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं, कोई नई बात है क्या? इस बार हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम्हें यहां रहना पड़ेगा? तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा धर्म, और जब तक मैं तुम पर लगे इस इंसान को गलत साबित नहीं कर देता, तुम मेरे साथ कहीं दूर महल से दूर छुपे रहोगे। चलो मेरे साथ। हम कोई भगौड़े नहीं है वीर, जो चोरों की तरह कारागार से भाग जाए। यह हमारी पिताजी की इज्जत का सवाल है। आज अगर हम यहां से भाग जाते हैं तो सारी उंगलियां उन पर उठेंगी, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से राज्यसभा के सामने पिताजी को शर्मिंदा होना पड़े। पठान, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर ये सारे सवाल उठेंगे कहां से? सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं भी, और राज्यसभा अपनी बात पर ऐसी अड़ी है कि पिताजी भी उनकी सोच को नहीं बदलते। राज्यसभा क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम बस चलो ऐसा। हम नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। और 5 दिनों बाद जब हमें फांसी होगी तब भी हम कोई विरोध नहीं करेंगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई इतनी जल्दी हार मान जाएगा। तुम भले ही सली पर चढ़ने के लिए तैयार हो, तुम ये बस समझता कि मैं चुपचाप रहकर इसे स्वीकार कर लूंगा। मैं भी देखता हूं कि मेरे होते हुए तुम्हें फांसी पर कौन चढ़ाता है। ताला लगाओ सर।